गुड मॉर्निंग एवरी वन महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो जैसा कि आपको विदित है कि अपना जो पुराना टॉपिक था वो था हार्मोनिक कंजुकेट या हार्मोनिक फंक्शन निकालते थे पहले हार्मोनिक फंक्शन अर्थात पहले हार्मोनिक फंक्शन निकालते थे प्लसवादी सहयोगी फलन फलन अर्थात अपने को u का u या v दोनों में से किसी एक का मान गिवन होता था अपन उसे एकफाइड करवाते थे अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस y बराबर जीरो इसे कहते हैं हार्मोनिक इक्वेशन इसे कहते हैं हार्मोनिक इक्वेशन तो ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती थी तो अपन कहते थे कि दिया गया फलन क्या है हार्मोनिक फंक्शन है उसके बाद अपने को निकालना होता था हार्मोनिक कंजुकेट उसके बाद अपन निकालते थे हार्मोनिक कॉन्जुकेट हार्मोनिक कॉन्जुकेट अर्थात अर्थात एफ ऑफ जेड बराबर यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस एयटा वी ऑफ x, वाई तो उससे अपन निकालते थे और अपना आंसर प्राप्त होता था उसमें अपन ने मिलने थॉमसन प्रमेय भी पढ़ा था और कुछ अपने वापस इक्वेशन इक्वेशन का यूज भी लिया था <coughs> तो उससे अगला टॉपिक है अपना अपना अगला टॉपिक है पावर सीरीज क्या है पावर सीरीज घात श्रेणी तो आपको वैसे पता होगा कि श्रेणी और वगैरह ये आप लोगों ने पढ़ रखी होती उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है पावर सीरीज अर्थात घात श्रेणी तो क्या होता है घात श्रेणी कोई श्रेणी इस प्रकार है कि पहले कंडीशन होनी समय एन बराबर जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर एन जेड की पावर एन सेकेंड कंडीशन दोनों में से कुछ किसी भी का फॉर्म का हो सकता है समेशन एन बराबर जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर एन जेड माइनस की पावर एन घात श्रेणी कहलाती है अर्थात अगर अपन, अपना जो क्वेश्चन होगा उसका कुछ फॉर्मेट इस प्रकार रहेगा कि ये प्रूव करना होगा कि ये सीरीज सीरीज दी गई शीरीज, पावर सीरीज है या नहीं अगर पावर सीरीज है तो पता करो तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि उसका फॉर्मेट होना चाहिए समेशन बराबर जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर एन जेड की पावर एन दूसरी कंडीशन पहला फॉर्म ये दूसरा फॉर्म होगा समेशन पावर एन जेड माइनस ए की पावर एन तो अगर इस दोनों फॉर्मेट में अगर सीरीज दी हुई है तो अपनी वो पावर सीरीज कहलाती है और जहां पे जेड बराबर होता एक्स प्लस आयोटा वाई और ए और बी समिश्र अचर है मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू है फिर आता है घास श्रेणियों का अभिश्रण वही कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज क्या है कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज तो हमें वैसे भी पता है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का अर्थ क्या होता है कन्वर्जेंट का अर्थ है कोई अगर सीरीज दे रखी है और जब लिमिट एन डैश टू इन्फिनिटी के ऊपर अगर लिमिट एन डैश टू इन्फिनिटी के ऊपर तो उसका मान फाइनाइट एंड यूनिक अर्थात परिमित व अद्वितीय परिमित व अद्वितीय प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाती है कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है क्या कहलाती है कन्वर्जेंट सीरीज अर्थात कहने का मतलब है कि कोई सीरीज दी हुई है अगर उसका मान लिमिट एन डैश तो इन्फिनिटी के ऊपर फाइनाइट और यूनिक आता है मतलब परिमित और अद्वितीय आता है तो वो सीरीज क्या कहलाती है कन्वर्जेंट कहलाती है उसी प्रकार अगर लिमिट एन डैश टू तो इन्फिनिटी के ऊपर वो इनफाइनाइट एंड अद्वितीय प्राप्त ना हो तो क्या कहलाती है वो कहलाती है डाइवर्जेंट उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है घात श्रेणी का अभिसरण अर्थात कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज तो पावर सीरीज का फॉर्मेट क्या डाइवेंट होगी यदि जीरो से इंफिनिटी मोड ऑफ एन जेट की पावर एन, 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 एन कहने का मतलब है, अगर हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार से दे रखा है कि श्रेणी दे रखी है उसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना कि दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यह लिखाना है कि ऑफ की पावर एन एन जेट की पावर एम ये सीरीज कैसी है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है अगर ये कन्वर्जेंट है तो दी गई ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी उसके बाद टॉपिक है घात श्रेणियों का अभिसरण वित्त व अभिस की हमें कोई वृत्त दे रखा है और उसके ऊपर अपने वो पावर चीज दे रखी है तो हमें यह पता करना है कि वो अः मतलब अभिस है या नहीं है और है तो अभिष्रण त्रिज्या क्या होगी उसकी तो ये एक वाला क्वेश्चन है तो कहने का मतलब ये है तो कहने का मतलब है वृत्त मॉड जेड बराबर आर ये जो वृत्त है इसका मॉट जेड बराबर आर ये इसका केंद्र बिंदु है और यह इसकी रेडियस हो गई आर वैसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसमें वृत्त का समीकरण होता है जेड माइनसॉट बराबर आर या कैपिटल आर जहां जेड नॉट होता है उसका केंद्र बिंदु उसका केंद्र बिंदु को डिफाइन करता है कि उसका केंद्र बिंदु कहां पे है तो यहां पे जेड नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है जीरो दे रखी है तो एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु हो जीरो जीरो और रेडियस होनी चाहिए आर उसको क्या कहते हैं अपन कहते हैं वृत्त का फॉर्मेट तो ये हो क्या है? एन, का का कहलाता है वृत्त मोड z बराबर r घात श्रेणी समेशन a की an z की पावर n का अभिसरण का वृत्त कहलाता है यदि इसके भीतर मोड z लेस देन r में समस्त z के मान विद्यमान हो कहने का मतलब है कि जो जो z के मान में प्राप्त होंगे वो सब इसी वृत्त के अंदर होने चाहिए मतलब ना उसकी परिधि के ऊपर होने चाहिए और ना कहीं और पे जैसे कोई z का मान यहां पे आ गया z0 ये z1 ये जेड टू ये जेड थ्री जेड फोर कहीं भी कहने का मतलब है कि जो हमें जेड के मान प्राप्त होंगे ना वो उस सर्कल के अंदर प्राप्त होने चाहिए उसकी परिधि के ऊपर भी प्राप्त नहीं होने चाहिए तब हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया वृत्त अभिसरण वृत्त कहलाता है अगर अभिसरण वृत्त है तो उसकी अभिसरण त्रिज्या भी होगी कुछ अभिसरण त्रिज्या होगी तो जो आर का मान प्राप्त होगा वो उसकी क्या कहलाती है अभिसरण त्रिज्या कहलाती है तो अगर अभिशन तीजे ज्ञात कैसे करते हैं देखो तीजा ज्ञात करने का जो पहला फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि वन अपॉन आर वो बराबर होता है लिमिट एन टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एन की पावर वन अपॉन तो कहने का मतलब है हमें कोई सीरीज को दी हुई होगी ए एन यहां पे क्या है कोई सीरीज है ट्रेनी. तो क्या होगा कि हमें कोई सीरीज क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा पावर सीरीज के फॉर्मेट में होगा और पावर सीरीज के फॉर्मेट में होगा तो उसमें सीरीज सीरीज होगी 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 तो तो हमें दी हुई और हमसे पूछा कि इसकी है क्या पावर वन बाई एन दूसरा फॉर्मूला होता है वन अपॉन आर बराबर लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की पावर वन बाई एन तो दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि लिमिट वन अपॉन आर बराबर लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की पावर वन बाई एन तो हमें कोई सीरीज दी हुई हो होगी पावर सीरीज दी हुई हो होगी उसमें ए एन अर्थात श्रेणी का मान अपने को गिवन होगा उसकी सहायता से अपन निकाल देंगे ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की पावर वन बाई एन तो इस तरह से अपन उसके अभिस तीजे भी ज्ञात कर सकते हैं तो ये डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है घात श्रेणी पावर पावर सीरीज तो पावर सीरीज का मतलब समझ लिया आपने कि कुछ श्रेणी इस प्रकार होगी कि समेशन समेशन जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन या तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा या क्वेश्चन जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन तो ये दोनों फॉर्मेट अगर दिया तो हमें ये प्राप्त होगा कि दी गई सीरीज क्या अपने पावर सीरीज है या घात श्रेणी है तो जहां जेड बराबर एक्सप्रेस आयोटा वाई एन ए बी क्या है दूसरा पॉइंट है घात श्रेणी का अभिसरण आपने को ये पता करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है क्योंकि कई सीरीज ऐसी होती है डाइवर्जेंट हो जाती है तो डाइवर्जेंट के ऊपर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो उसका कंडीशन है कन्वर्जेंट है तो अपने को जो गिवन है वो भी कन्वर्जेंट होगी अगर ये डाइवर्जेंट है तो दी गई सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी तीसरा पॉइंट है घास साइड अगर अभिसरण भी तो अभिश्रण अर्थात अपने को अगर कोई वृत्त दे रखा है और उसमें अपने को अभिस त्रिज्या निकालनी है त्रिज्या से निकालने से पहले अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि वो वृत्त है या नहीं है तो वृत्त का मतलब क्या है कि वृत्त मॉड जेड बराबर आर घात श्रेणी समीश्रीन एन जेड की पावर एन का वृत्त कहलाता है यदि इसके भीतर मॉड जेड लेस देन आर कहने का मतलब है जेट के जितने भी मान प्राप्त होंगे वो हमेशा इस सर्कल के अंदर होने चाहिए ना कि इसकी परिधि के ऊपर भी अगर कोई जेट का मान प्राप्त हो गया तो वो वृत्त नहीं कहलाएगा

तो हमें क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा ना वो कुछ इस तरीके से रहेगा ए एन जेड की पावर एन समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन तो हमें इससे क्या निकालना है वो पूछ सकता है अभिशन त्रिज्या निकालनी है तो वो जो क्वेश्चन होंगे वो अपन अगले वीडियो में करेंगे धन्यवाद